विधानसभा चुनाव में हार के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव में हार की जिम्मेदारी भी ली है। शिवराज सिंह चौहान ने साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी। मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिम्मेदारी ली है शिवराज ने और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा चुनाव अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भी ही लड़ा गया था और काफी लोकप्रिय नेता थे, हालांकि हार हुई है, जिम्मेदारी इसकी ली है उन्होंने। उससे पहले जरा मनोज क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं, फिर आती हूँ आपके पास। मनोज रुकिए जरा। अभी महामहिम राज्यपाल महोदया को इस्तीफा देकर आया हूँ। पराजय की जिम्मेदारी मेरी मेरी और सिर्फ मेरी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, जनता का भरपूर प्यार भी मिला, वोट भी थोड़े ज्यादा मिल गए, लेकिन संख्या बल में हम पीछे रह गए और इसलिए हमने फैसला किया कि हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। और कमलनाथ जी को मैंने शुभकामनाएं दी है, बधाइयां दी है। संख्या बल में पीछे हैं, सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। मनोज, मनोज मेरी आवाज आप तक आ रही है? संख्या बल में हम पीछे हैं, सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे, लेकिन अरुण भी साथ ही मौजूद हैं। अरुण ने जब दिग्विजय सिंह से बात की तो उन्होंने गंभीर आरोप ये लगाया कि शिवराज सिंह चौहान रात भर खरीद फरोख्त का सिलसिला उनके यहाँ चलता रहा, जब नहीं बात बनी तब जाकर उन्होंने अपनी हार स्वीकार की है। ये तो आरोप लगाया कांग्रेस की तरफ से, ऐसा आरोप है कि बीजेपी ये कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि बीजेपी की तरफ से लगातार जो हर घंटे एक जैसे कहते हैं ना कि वनडे मैच, और वो भी भारत और पाकिस्तान का वनडे मैच, ऐसा मैच चल रहा था जब एक सीट बढ़ती थी एक सीट कम होती थी, तो बीजेपी की कोशिश थी, जो बीजेपी से हम बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा सवाल ये था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बनता है। हालात बनते कि अगर 113 सीट बीजेपी की होती और 112 कांग्रेस की होती, भले ही कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी और इंडिपेंडेंट तमाम लोग साथ होते और लिस्ट में उनके होते, मगर बीजेपी की कोशिश उस समय ये होती और ऐसा होता भी कि आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं वो एक सबसे बड़ी पार्टी को सबसे पहले अपनी सरकार बनाने का न्योता देती, तो बीजेपी की रणनीति जाहिर तौर पर ये थी। लेकिन जब बीजेपी 109 पर आकर टिक गई और जब एक पहुंच गया तो मनोज आपको रोकना चाहूंगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, हम लौटते हैं आपके पास। मनोज हमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, अरुण सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी बात, हालांकि तमाम आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन अब खबर जो अरुण सिंह हमें दे रहे हैं वो ये कि कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। अपने समर्थन पत्र के साथ वो फिलहाल राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं, आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने अपनी हार स्वीकार की है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, हार हुई है लेकिन संख्या बल भी हमारे पास नहीं, इसलिए सरकार नहीं बनाएंगे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जब बात की अरुण सिंह से तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाया, सीधे तौर पर कहा कि खरीद फरोख्त का सिलसिला भी चल रहा था बीजेपी के अंदर, यानी अगर कहीं एक दो का मार्जिन रहता है तो फिर ये बात भी मुमकिन हो सकती थी, ऐसा दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे थे। और इसी का जवाब मनोज हमारे साथ हमारे सहयोगी, क्योंकि वो उधर से बीजेपी भी कवर कर रहे थे। मनोज मेरे, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो बताए क्या कुछ चल रहा था जो आरोप दिग्विजय सिंह लगा रहे, कितना दम नजर आता उसमें? अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, अब इसमें कोई दो राय नहीं, और जिस तरीके से कल यहाँ पर संख्या बल कभी कांग्रेस का बढ़ रहा था कभी बीजेपी का बढ़ रहा था और ये आरोप भी काफी गंभीर है, लेकिन इस बीच खबर सीधे सीधे यही कि कमलनाथ ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। देखिए निश्चित रूप से कमलनाथ ही होंगे अगले मुख्यमंत्री, इस बात पर कोई संशय नहीं है, थोड़ी बहुत बातचीत होनी है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। अब पहले कैसे घोषित किया जा सकता है, क्योंकि विधायक चुन के आते हैं, लोकतंत्र में कहा जाता है कि विधायकों का जो नेता होगा, ज्यादातर विधायक जिसके समर्थन में होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, तो स्वाभाविक है कि
सार्वजनिक रूप से इस बात को कांग्रेस स्वीकार अभी नहीं कर सकती जब तक विधायक दल की बैठक न हो जाएगी कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उसका तकाजा ये कहता है कि तब तक घोषणा न की जाए जब तक विधायकों की बैठक न हो जाए। लेकिन अंदर खाने ये तय हो गया है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक तरह से बहुत ही ग्रेसफुली अपने आप को विड्रॉ किया है मुख्यमंत्री पद की दौड़ से। कमलनाथ के पक्ष में दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह के साथ अन्य जो नेता हैं उनका आ जाना कमलनाथ के पक्ष में गया है और कमलनाथ के पक्ष में पहले से ही पूरा बैलेंस रहा है जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा गया था। जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, मैं कहूंगा उनके दो उन्होंने जो बाइट दी उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात उन्होंने कही कि हार की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी मेरी और मेरी है, तो निश्चित रूप से एक ये दिखाता है कि वो एक बड़े दिल वाले राजनेता हैं। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के हार स्वीकार की और दूसरी बात उन्होंने एक याद दिला दी, अटल जी का भाषण सबकी जेहन में हमेशा ताजा रहती है उसकी याद, जब उन्होंने कहा था कि जब वो बहुमत नहीं साबित कर पाए थे, नहीं जुगाड़ उनके पास हो पाया था बहुमत का, और उनको कहना पड़ा था कि संख्या बल के सामने मैं सिर झुकाता हूँ। कुछ उसी तर्ज पर शिवराज सिंह चौहान ने भी आज कहा कि संख्या बल के सामने सर झुकाता हूँ। शिवराज सिंह चौहान एक बड़े दिल उदार नेता की छवि अपनी पेश करना चाहते हैं और 109 जो आया है वो शिवराज सिंह चौहान का जो व्यक्तित्व रहा है उसकी भी बड़ी वजह रही है कि 109 आया है। हार जरूर हुई है टेक्निकली, तकनीकी रूप से शिवराज सिंह चौहान हारे हैं, लेकिन नैतिक रूप से मैं कहूंगा शिवराज सिंह चौहान की नैतिक रूप से जीत ये जरूर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण सिंह, नजर आप बनाए रखिए। और एक डेलीगेशन पहुंचा है, अपडेट यही है कि डेलीगेशन पहुंचा है राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। खबर यारी कि शाम 4 बजे तक डिक्लेयर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, हालांकि खबर ये भी है कि कमलनाथ ही होंगे।